हेलो स्टूडेंट्स आई एम गुरविंदर कौर फैकल्टी एट अभिमन्यू आई एस ए वेरी वॉन् वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन और स्टूडेंट एज यू ऑलरेडी नो कि आज हमारा हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो चुका है और जीएस पेपर वन हमारे पास पहुंच गया है स्टूडेंट और इसका करते हैं हम यहां पे एनालिसिस तो स्टूडेंट आप बने रहिए हमारे साथ और अगर आपने अभी तक अगर आप ऑलरेडी यू नो पहले वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम आएगा एच का और या फिर अभी आप फिलहाल सी सेट का पेपर देने गए हुए हैं तो थोड़े ही टाइम में सी सेट का पेपर आपका ओवर हो जाएगा तो आपके पास जी एस का जो एनालिसिस है वो आपके पास ही होगा ठीक है लाइव मेरा स्टार्ट होगा चार बजे ठीक है फोर पी एम हमारा लाइव स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट बट फिलहाल के लिए हम एक बार के लिए एनालिसिस यहाँ पे देखते हैं कि जो हर एच सी एस का पेपर आया वो किस तरीके का आया तो स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है एच सी जो है उसने अब बिल्कुल अच्छे से ये बात क्लियर क्रिस्टल क्लियर कर दी है कि नाउ इट इज अलाइन टू वार्ड्स द यू जैसे यूपीएससी के पेपर में आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो आपके ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं तो बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर एच सी जो है वो अपना अलाइन करने की ट्राई कर रहा है वन पेयर ओनली वन पेयर ओनली टू पेयर ठीक है इस तरीके से वो स्टेटमेंट यहाँ पे पूछ रहा है इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास नॉलेज है ठीक है तो ही आप जो है वो उस क्वेश्चन मतलब यू नो उस क्वेश्चन को आप सही कर ले जाओगे अदरवाइज वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा तो पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टूडेंट तो काफी अच्छा लेवल था पेपर का मैं इसको डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखूंगी यहाँ पे मतलब मैं इस पेपर को एज ए गुड भी मानूंगी और मैं इस पेपर को एज ए डिफिकल्ट भी मानूंगी कि हाँ जो एच सी एस है जो एक सिविल सर्विसेज का पेपर होना चाहिए बिल्कुल उसी तरीके का पेपर उन्होंने सेट करने की ट्राई की है हालांकि थोड़ा सा सिविल सर्विसेज की तरह तरह अगर पेपर को थोड़ा एनालिटिकल बेस्ड या कॉन्सेप्चुअल वाइज पेपर बनाया जाता तो दैट इज दैट दैट विल बी मोर बेनिफिशियल बट यहाँ पे फैक्ट बेसिस पेपर है प्लस उन्होंने जो ऑप्शन सेट की हैं वो काफ़ी अच्छी ट्रिकी वाली ऑप्शन यहाँ पे सेट की हैं कई स्टेटमेंट्स ऐसी हैं स्टूडेंट की अगर आपको तीनों स्टेटमेंट आती है तभी आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे अदरवाइज आप क्वेश्चन को नहीं कर ले जाओगे ठीक है जी तो पेपर स्क्रीन के सामने स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ पोर्शन वाइज की तो कौन सा किसकी वेटेज सब्जेक्ट की कितनी रही तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे तो मेनली यहाँ पे जो एग्जामिनर ने खेला तो वो तीन मेन सब्जेक्ट पे खेला पहला हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आपका जर्नल साइंस क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी मैं दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ एक आपका जर्नल साइंस और एक आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो जर्नल साइंस की इंपॉर्टेंस काफ़ी पहले भी बहुत ही अच्छी है इसके अंदर और अब भी उसने वही एज इट इज़ उसका स्टेटस मेंटेन करके रखा यहाँ पे तो जर्नल साइंस की वेटे जो है वो काफ़ी अच्छी खासी रही यहाँ पे दूसरा जो हमारा मेन सब्जेक्ट रहा वो रहा हमारा हिस्ट्री जिसने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए इस बार एच के अंदर हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा पूछी गई काफी अच्छी वेटेज रही हिस्ट्री की और से थर्ड नंबर पे जो हमारी वेटेज रही दैट इज द पॉलिटी पॉलिटी की वेटेज भी काफी अच्छी खासी है यहाँ पे हमारे हरियाणा सिविल सर्विसेज के अंदर ऑलमोस्ट हमारा जो फिफ्टी पेपर है फिफ्टी टू फिफ्टी पेपर वो इन्हीं तीन सब्जेक्ट्स पे खेला गया राइट और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन था उसमें आपके करंट अफेयर करंट अफेयर में भी गवर्नमेंट स्कीम मैंने पहले ही क्लास में बहुत अच्छे से बच्चों को बोला था कि गवर्नमेंट स्कीम आप बहुत अच्छे से करके जाना एंड नो डाउट उसके ऊपर क्वेश्चन आए राइट और अगर मैं बात करूं हिस्ट्री में भी तो जो स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा जो वेटेज दी गई वो दी गई एंशियट हिस्ट्री को एंशियंट हिस्ट्री को काफी अच्छी वेटेज दी गई और बाकी जो हमारी मिडिवल हिस्ट्री है और हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है वहां से भी क्वेश्चन आए राइट सो so स्टूडेंट तीन सब्जेक्ट यहाँ पे मेन रहे पूरे पेपर के अंदर मतलब जिस स्टूडेंट का ये तीन पेपर बहुत अच्छे से प्रिपेयर थे तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर थे तो मे भी हो सकता है कि वो एज ले जाए बाकी पेपर स्टूडेंट से ठीक है तो क्या रहा हमारा जर्नल साइंस जिसकी काफ़ी अच्छी वेटेज रही सेकेंड नंबर पर हमारा हिस्ट्री एंड थर्ड नंबर पर हमारा पॉलिटी ठीक है हालांकि जो जर्नल साइंस जो हिस्ट्री है हमारा उसने तो मतलब इस बार जर्नल साइंस को भी यहाँ पे टक्कर दे दी है ठीक है उसको भी पीछे छोड़ दिया मतलब हिस्ट्री के इतने ज़्यादा क्वेश्चन थे अच्छा रही बात जिनमें से क्वेश्चन नहीं आए एज एक्सपेक्टेड ठीक है मतलब थोड़ा सा यहाँ पे जो जिसकी वेटेज थोड़ी सी कम हुई है अगर हम पीछे वाले पेपर की बात करो तो दैट इज़ अ जोग्राफी एंड एन्वायरमेंट जोग्राफी एंड एनवायरमेंट के क्वेश्चन काफ़ी कम थे इस बार ठीक है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन राइट बट उनकी जगह पे यहाँ पे हिस्ट्री के काफी अच्छे क्वेश्चन पुट किए गए हिस्ट्री में भी स्पेसिफिकली आपका यहाँ पे जो आपका एशंट हिस्ट्री था वो पूछा गया ठीक है अच्छा ठीक है जी तो अब हम बात करते हैं अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करू वेटेज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लूंगी हिस्ट्री तो हिस्ट्री के अंदर से जो क्वेश्चन पुट किए गए दैट इज ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन जो थे वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हिस्ट्री में से थे मतलब कि एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न अच्छा दूसरे नंबर तो वो भी हमारी ट्वेंटी साइंस तो में से स्टूडेंट आपका जो क्वेश्चन आए हैं दैट इज फ्रॉम ट्वेंटी क्वेश्चन आपके जर्नल साइंस के थे और दो क्वेश्चन जो है वो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन थे हालांकि हमने क्लास के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से की थी और एक क्वेश्चन जो मैंने क्लास के अंदर बहुत अच्छे से समझाया था वो था स्पेस टेक्नोलॉजी का आदित्य एलवन मिशन मैंने बोला था कि इसरो ने इस बार बहुत ज्यादा हिस्ट्री क्रिएट की है तो वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है नो डाउट अबाउट दैट कि वहाँ से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पुट किया आदित्य एलवन पे उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन सेट किया वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ठीक है जी तो यहाँ पे इसकी वेटेज रहती है यहाँ पे ठीक है फिर मैं बात करूँ अगर हम बात करें Uh, हरियाणा जीके की हरियाणा जीके हरियाणा जीके में से टोटल फाइव क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं स्टूडेंट हरियाणा जीके में टोटल फाइव क्वेश्चंस आए हैं ठीक है जी ओके ओके इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो काफी कम क्वेश्चन आए इकोनॉमिक्स के अंदर से दैट इज फाइव टू सिक्स क्वेश्चन जो है वो आपके इकोनॉमिक्स में से आई है तो हिस्ट्री में से आपके बहुत ज्यादा वेटेज रही है इन क्वेश्चन की ठीक है तो ऑलमोस्ट आपका फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी क्वेश्चन जो है वो यही तीन एरियाज कवर कर ले जाते हैं हरियाणा जीके में से पांच ही क्वेश्चन आए इकोनॉमिक्स में भी फाइव क्वेश्चन आए अच्छा आगे मैं बात करूँ तो स्टूडेंट जो हमारा ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट है ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट की अगर मैं हम बात करें तो तो उसमें से हमारे सिक्स टू सेवन क्वेश्चन मैं कहूंगी कि सेवन टू एट क्वेश्चन जो है वो आपके किसके अंदर रहे ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट के रहे ठीक है जी अच्छा करंट अफेयर की मैं बात करूं यहाँ पे करंट अफेयर की अगर मैं बात करूँ तो नाइन टू टेन क्वेश्चन जो है वो आपके करंट अफेयर से रहे और गवर्नमेंट स्कीम इसमें पूछी ही भी गई ठीक है जी गवर्नमेंट स्कीम uh, पे टोटल फोर क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट स्कीम से ही थे डायरेक्टली ठीक है जी ओके 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 ठीक है जी अच्छा जर्नल साइंस में भी अगर मैं बात करूं आप मेरे से पूछोगे कि मैम जर्नल साइंस में क्वेश्चन किस तरीके से आए तो मैं बता दूं आपको तो जर्नल साइंस में से स्टूडेंट बायोलॉजी का जो क्वेश्चन था पोर्शन था बायोलॉजी में से आपके टेन टू इलेवन क्वेश्चन थे और केमिस्ट्री में इस बार काफी अच्छे क्वेश्चन पुट कर लिए उसने सेवन क्वेश्चन थे बट बहुत ही ड्यूएबल क्वेश्चन थे मतलब काफी इजी क्वेश्चन थे और फिजिक्स का आपका एक ही क्वेश्चन आया फिजिक्स के आपके दो क्वेश्चन थे इस बार एक से दो क्वेश्चन आपके फिजिक्स में थे ठीक है जी तो केमिस्ट्री में यहाँ पे केमिस्ट्री में सेवन क्वेश्चन थे बट हाँ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ऐसे थे कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं ऐसा नहीं था कि वो क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ना कर पाओ क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पा रहे थे ठीक है बायोलॉजी में हाँ क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी भी थे फैक्ट वाइज थे अगर पता है तो पता है नहीं पता है तो नहीं पता ठीक है ऐसा सा था ठीक है और फिजिक्स का क्वेश्चन एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पुट किया था ऑलमोस्ट आई थिंक सो कि सारे बच्चों ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ही होगा ठीक है जी ओके ओके तो बात करें पेपर की तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पे यू uh, नो you know, पेपर सेट हुआ है तो उसके थोड़े से देख लेते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे पेपर जो इस तरीके से है वन स्टेटमेंट सही है मतलब कि तीनों तीनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको बताना है कि कितनी स्टेटमेंट सही है ओनली वन स्टेटमेंट सही ओनली टू ओनली थ्री यहाँ पे देखिए एसिड लेफ्ट बाय बी स्टिंग ऑफ हनी बी इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पेयर के बाद पेयर करेक्ट तो देखिए यहाँ पे इसी तरीके से पेयर के फॉर्म में पूछे जैसे ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है आर्टिकल्स पूछे की इलेक्शन ऑफ प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट इस तरीके से तो वो बोल रहे टू पेयर करेक्ट ठीक है तो यहाँ पे देखिए देखिए पूरे क्वेश्चन ऐसे ही हैं स्टूडेंट पूरा पेपर इस तरीके से भरा हुआ है ठीक है अच्छा मतलब यहाँ पे आप जो है ना मतलब पेपर को देख कर मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रिक्स हैं ठीक है थीके? ट्रिक्स जो है स्टूडेंट वो यहाँ पे थोड़ी कम लग रही है पेपर के अंदर मतलब कि अगर मैं बात करूँ कि ट्रिक्स या फिर एलिमिनेशन मैथड से अगर आप पेपर कर ले जाओ तो ऐसा थोड़ा सा चांसेस कम है ठीक है मतलब टोटल जो आपका टोटली जो आपका पेपर है वो आपका नॉलेज बेस्ड पेपर है ठीक है ओवरऑल आपका नॉलेज बेस्ड पेपर है मतलब कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है चीजों को बार बार रिवाइज किया है तभी आप इस पेपर को कर ले जाओगे अदरवाइज ये पेपर जो है वो डिफिकल्ट ही है या फिर आप इस पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग काफी हाई रहने वाली है ठीक है ओके ओके स्टूडेंट तो चार बजे स्टूडेंट हमारी आंसर की आ जाएगी ठीक है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो ये सेशन मैं यहीं पर ओवर करती हूँ छोटी सी वीडियो थी मेरी ये ठीक है जिसमें हमने पेपर को ओवरऑल एनालिसिस किया इसका ठीक है एंड आई होप कि आपने बहुत अच्छा किया होगा पेपर में तो फिर मिलते हैं पेपर के बाद थैंक यू थैंक यू सो मच हैव हैवे नाइस डे